अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज जनाब मैं नाश्ते की तैयारी करा रही हूँ बच्चों को। ये बच्चों का नाश्ता है, जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है। आज काफ़ी सारे काम थे मुझे, आज मशीन भी लगाई थी जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। और चलें फ़िलहाल ये नाश्ता है, उसके बाद जनाब मैं करूँगी दूसरा काम। अभी ये मैं प्यालियों में मैंने डाल दिया है इनका स्पून, चीनी ऐड कर दी है, उनके पानी के गिलास हैं और ट्रे थी, ट्रे में बैठकर खाते हैं बच्चे। ज़रा डिसिप्लिन से देती हूँ उनको ट्रे में, जो भी गिराएं, छोटे हैं गिराते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब वो ट्रे में देती हूँ तो वो ट्रे में गिरता है, इधर उधर फैलता नहीं है। अच्छा आज है जुमा, तो आज मैं नाश्ते के बाद फौरन इनके हाथ पांव धुलाकर इनके नेल्स कटिंग कर रही हूँ। वॉश करवाने के बाद नेल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से कटते हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, इस वजह से इसके पहले काट रही हूँ, क्योंकि ये कहता है कि पहले मैं तो पहले इसके काट रही हूँ। फिर उसके बाद ये छोटे बेटे का हो गए हैं, और अब ये बड़े बेटे को भेजा हुआ था हाथ धोने के लिए, हाथ धोकर आ गया वापस, उसके नेल्स काट रही हूँ। अब उसके नेल्स एक नेल उसका थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था, तो वो कोई इशू नहीं है, उसका कोई मसला नहीं, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़्यादा नहीं कटा, बस थोड़ा सा जो है ना स्किन सेंसिटिव स्किन कट गई थी हल्की सी। अच्छा जी, तो अब दोपहर का खाना शुरू होने वाला है। दोपहर का खाना मैं तैयार कर चुकी हूँ, ये मैंने मसर बनाए थे, मसर फ्री हो चुकी हूँ बर्तन में, ढक्कन ऐसे ही नहीं छोड़ती, ढक्कन के चम्मच निकाल कर फिर मैं उसके ऊपर ढकती हूँ, फिर कोई अंदेशा नहीं रहता कुछ भी, मतलब समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, खाना तैयार है, ये मैं खाना लगा रही हूँ, ये बच्चों का खाना लगा रही हूँ, मैं अपना भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ही प्लेट में दोनों खा लेंगे, अगर छोटे ने ज़िद ना की तो, वरना फिर उसके लिए अलग डालना पड़ेगा। ये दो गिलास और एक प्लेट मैंने ही उनको खिलाना है, बड़ा दाल से खाएगा और छोटा बिल्कुल प्लेन राइस खाता है, और चटनी सैलेड खाता नहीं है, लेकिन शौक होता है कि मैंने रखना है। और ये मेरी प्लेट है जी, दाल चावल प्याज चटनी सब एक ही उसमें, तो जब मैं खाती हूँ तो सारा डिसिप्लिन और सारा वो मिक्स हो जाता है, जैसे इस टाइम मेरे प्लेट में सब कुछ मिक्सिंग। अच्छा जी, ये उनका खाना है, खाना खाओ बेबी, खाओ, ये खा रहे हैं बच्चे आराम से, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि अगर उसने जिद ना की तो उसने ज़िद की, मुझे अलग प्लेट चाहिए, उसको अलग प्लेट बना दी थी मैंने, वो खा रहा है अपने राइस माशाल्लाह। बड़ा बेटा दाल से खा रहा है, उसको दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, राइस प्लेन राइस और दाल। अब मैं इनको खाना खिला के फारिग हो चुकी हूँ, अब मैंने करनी है अपनी, ये प्रेसिंग मशीन भी लगाई हुई थी जैसा कि मैंने फर्स्ट पे बताया, मेरे काफ़ी कपड़े सूख गए थे, तो मैं अब इनको जो है थोड़े थोड़े प्रेस करूँगी आराम आराम से, तो ये प्रेस कर रही हूँ मैं अपना एक सूट। बस ये हो गया, जल्दी कर लो, मैं कितनी स्लो हो तुम। अच्छा ये मेरा हो गया, सूट की एक चीज़ प्रेस हो गई है, अभी उसकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ, उसको पानी लगाना है पहले,
इसकी सबसे पहले इसकी क्रीज जो है ना जहाँ पे सिलाइयाँ होती हैं उस पर प्रेस करो ताकि वो बैठ जाए आराम से, तंग ना करें बार बार। फिर मैंने इसकी साइड्स प्रेस करनी है, साइड्स अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि ये मैंने 2-3 बार चलाना होता है। साइड अच्छे तरीके से करके फिर उसके ऊपर वाले पोर्शन गले की साइड पे आती हूँ, वहाँ पर मैं ख़ास नहीं करती, चादर वगैरह होनी होती है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जिप पे पीछे अच्छे तरीके से लगा दी, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है ये लेस लगी हुई है, इस पर बचा के, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इस लेस पर हल्की सी भी आपकी प्रेस आयरन टच हो गया तो वो चिपक जाना है उसके साथ। मेरे साथ हो चुका है एक बार, तो आप लोगों को बता दूं कि इस पर आयरन टच ना हो, चिपक जाती है लेस, ख़राब हो जाती है। अच्छा, दुपट्टे के सेंटर में मैं नहीं कर रही हूँ, दुपट्टे की साइडें करूँगी, और सेंटर में वैसे ही ठीक ही होता है, पर अभी धुला धोकर खुशक हुए हैं, अभी ये खुशक हुए हैं तो कोई इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, बस साइडें बस थोड़ी सी ख़राब हुई, उसको मैं प्रेस करूँगी और बस इसे तय करूँगी। ये हमारा हो गया दुपट्टा भी तय। ट्राउज़र की बारी है, ट्राउज़र को मैंने बिछाना है अच्छे तरीके से और बस फिर प्रेस 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 और बस ख़त्म, काम ख़त्म। अच्छा जी, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।